सब साहुन नमो जोए सब साहुन ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पावकणासनो सब पावकणासनो मंगलानंच सबे सिं मंगलानंच सबे सिं परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदेव क्षेत्र माँ विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ तैत्रिस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत हर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चयवन्दे तैत्रिशकोटि देवगण विश्व
हितार्थे स्वागतम। जग कल्याण का यज्ञ में जग कल्याण का यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम मंगलमय जो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ दो व्यवहार सदबुद्धि हो निश्चय में अभिप्रूति दो निश्चय में अभिप्रूति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लाए और सहायक संजोगो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ मा, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यात्वात वाणी स्यात्वात वर्तन और स्यात्वात मनन करने की परम शक्ति दियो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यहाँ कुछ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है या कुछ पाना है तो मैं समझता हूं ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों के लिए या अध्यात्म विज्ञान समझना अनुभव करना ये बहुत सही रास्ता है क्योंकि आखिर हम जीवन में जो कुछ भी जानेंगे व्यवहार दृष्टि से रिलेटिव सत्य से या पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम जानेंगे जो कुछ भी हम पाएंगे जो कुछ भी हम समझेंगे ये सब कुछ वास्तव में उसका ज्ञान भी छोड़ के जाना है व्यक्ति या वस्तु भी छोड़ के जाना है और उसके साथ पाई हुई हमने कला वो भी छोड़ के जाना है यानी रिलेटिव सत्य में आपने पांच इंद्रियों से जो कुछ भी समझा है अनुभव किया है और कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी कार्य किया है
उसके माध्यम से आपने जो कुछ भी भौतिक रूप से पाया है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के रूप में, ये सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। ये सब के लिए कंपल्सरी है और यही कुदरत का कानून है। मगर ये आध्यात्म विज्ञान की जो हम बात करते हैं, ये विज्ञान की जो जानकारी है, जो जानकारी कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कुदरत के छह तत्वों के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और वो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ऐसा विज्ञान अगर हमने इस अवतार में जितना भी जाना है, जितना भी उपयोग करके अनुभव किया है, अवश्य ही ये अनुभव आपको साथ में आएगा। क्योंकि सनातन सत्य का जो अनुभव है, सनातन सत्य की जो दृष्टि है, वो कभी मिटती नहीं है, और वो दृष्टि सभी प्रकार के अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव सत्य को मिटाने का काम करती है। इसीलिए अगर हम सबने अपने जीवन में कुछ समझने का प्रयास किया है, कुछ अनुभव करने का प्रयास किया, कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उनके लिए ये आध्यात्म विज्ञान बहुत कल्याणकारी और मंगलमय है, क्योंकि इसकी जानकारी और इसका उपयोग के साथ जो अनुभव है वो कभी नाश नहीं होता है, और यही ज्ञान, यही विज्ञान हमारे अंदर जो अज्ञान है, रिलेटिव सत्य रूपी, रॉन्ग बिलीफ रूपी, या तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी जो अज्ञान है, इसको मिटाने में सहायक होता है। और वो अज्ञान आपने जितना भी मिटाया है, वो डेवलपमेंट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ कोई लॉस नहीं है। और नेक्स्ट बर्थ में जो आपका डेवलपमेंट है, वहां से आपको आगे जाना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो इसीलिए जो जो मुमुक्षुओं को, जो जो महात्माओं को और जो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्टों को अगर इस दुनिया में कुछ समझना है, सोचना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है, उनके लिए आध्यात्मिक विज्ञान बहुत आवश्यक है, उपयोगी है, उपकारी है, और वो हमारी दृष्टि में से भी नाश नहीं होगा। तो इसीलिए हम समझते हैं कि आध्यात्म विज्ञान को समझना हमारे जीवन में, अभी वर्तमान जीवन में और भविष्य के जीवन में भी कितना उपयोगी और इम्पोर्टेंट है और कितना आवश्यक है, ये हमको धीरे धीरे समझ में आता है, अनुभव में आता है। और हम तो ये मानते हैं कि जिस प्रकार से लोग अपने जीवन में पाया हुआ अज्ञान रूपी ज्ञान लोगों को बांटते हैं, चाहे धार्मिक ज्ञान है, चाहे सामाजिक ज्ञान है, वो लोगों को बांटते रहते हैं, ऐसे ही आध्यात्म विज्ञान भी जैसे जैसे प्राप्त होता है, जैसे जैसे अनुभव में आता है, वो भी हम सब बांटे, ताकि लोग अज्ञान से बाहर आए, अज्ञान से ऊपर आए, और वो भी अपना जीवन मुक्तता से जी सके, अज्ञान मान्यताओं से मुक्त होकर जी सके, वो भी अपने अंदर छुपी हुई रॉन्ग बिलीफ रूपी अज्ञान को मिटा सके। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से अनुभव करने की या समझने के लिए तैयार हो जाइए, और अपने ही प्रश्नों का समाधान प्राप्त करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हमारा ये पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय से जो काम होता है, जैसे आंख बाहर देखता है लेकिन बाहर का वस्तु समझ सकता है, अंदर महसूस कर सकता है, अंदर
और स्पर्श भी बाहर है लेकिन महसूस अंदर कर सकता है, ऐसे ही सारा पांच इंद्रिय अंदर से ही महसूस होता है, बाहर से जो भी है। अभी हम दुनिया देखते हैं वो भी अंदर से ही समझ में आता है कि हम अंदर ही कुछ भी विजुअलाइज करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ये दुनिया या संसार सब भी हमारा अंदर ही है, या हम जैसे सपने में दुनिया देखते हैं कि मेरे ही अंदर का ही एक क्रिएटेड प्रोजेक्शन है, ऐसा पूछना था स्वामी जी। हाँ, देखो जो भी दुनिया में हम कुछ जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनका ज्ञान दर्शन तो अंदर है, बाहर नहीं है। हाँ। बाहर तो माध्यम है। हाँ। ज्ञान दर्शन है तभी तो हम इंद्रियों के माध्यम से ये दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है तो इंद्रिय क्या करेगा? जैसे कि मुर्दे के पास भी बॉडी है, पांचों ज्ञान इंद्रिय है और कर्मेंद्रिय भी पांचों पांच है, मगर ज्ञान दर्शन नहीं है ना, तो वो अनुभव कैसे करेंगे? वही स्वामी जी, वो तो अनुभव करने वाला अंदर ही है। मेरा कहने का मतलब है शरीर और पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, ये मशीन है, मशीन के पास ज्ञान दर्शन नहीं है, तो इसीलिए मशीन को अनुभव होना पॉसिबल नहीं है। जो भी अनुभव होगा अज्ञान का, ज्ञान का, विज्ञान का, वो अपना ज्ञान दर्शन को ही होगा, चाहे माध्यम पांच इंद्रियों का कोई भी हो सकता है। हाँ। आप समझे? मगर अनुभूति अंदर ही होगी, अज्ञान की भी अंदर होगी, ज्ञान की भी अंदर होगी और विज्ञान की भी अंदर होगी। मेरा ये प्रश्न था कि दुनिया सचमुच बाहर है कि दुनिया हमारे अंदर ही, हमारा माया जो बोलते हैं इल्यूजन, ये अंदरगी का एक खेल है, ऐसे लग रहा है मुझे कि बाहर दुनिया है ही नहीं। जैसे सपने में हम देखते हैं कि सपना में बहुत लोग है, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लेकिन सचमुच है नहीं। वैसे ही ये दुनिया जो खुली आंखों से भी देखते हैं वो भी हमारे अंदर का ही प्रोजेक्शन है, जो एक बिलीफ का। ये जो बाहर जो दुनिया दिखती है, परिवर्तनशील दुनिया, ये एक आभास है। हाँ। ये एक आभास है और वो हमारे कर्मों से खड़ा हुआ है, कर्मों से, कर्म फल के रूप में खड़ा हुआ है। मगर ये आभास को अगर आप रिलेटिव सत्य के रूप में देखोगे तो नया आभास का आप बीज डालोगे। और यही आभास को आप सनातन सत्य से समझोगे तो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक बीज पड़ेंगे। आप समझे? तो आभास तो रहेगा क्योंकि आपने कर्म किया है तो कर्म फल तो मिलेगा ही, मगर वो आभास का मतलब होता है अपना ही प्रतिबिंब है। उनमें अगर राग द्वेष करेंगे तो और अज्ञान के आधार से नए कर्म बनेंगे। और वही अवस्था को सनातन सत्य की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा आभास रूपी जो अज्ञान है वो खत्म हो जाएगा दृष्टि में, तो नया कर्म हम संसार बढ़ाने का चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आया? सही। हर जीव अपने आभास के कारण एक दूसरा लोक है, ऐसे समझ रहा है, लेकिन सचमुच तो वो आभासी है। आभासी है, इल्यूजन, भ्रमणा, यानी फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्यों नहीं है? आप सिंपल एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, जो 5 मिनट पहले जो अवस्था मेरे जीवन में घट गई वो लाइफ में कभी आने वाली नहीं है, तो फिर
हम क्यों बार बार इस घटना को याद करते हैं, मगर क्योंकि अज्ञानता के राग्वेश करके हम याद करते हैं। वास्तव में तो कुदरत ने उसको कब से संभाल कर दिया, क्योंकि कर्म फल खत्म हो गया, मगर हमारा जो ज्ञान दर्पण है वो इसको छोड़ना नहीं चाहते है अज्ञानता के वश, या राग करके या द्वेष करके उनको पकड़ रखता है। बाकी कुदरत ने तो कहा एक मिनट के पहले की अवस्था को आपको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो गई ना डाइड, और आप जिंदे हैं क्योंकि प्रयोजन, आप पास के लिए जिंदे नहीं है, प्रयोजन के लिए जिंदे है। सही। प्रेजेंट में भी पास्ट को याद करके आप आपके प्रेजेंट को बिगाड़ते हैं, यह अज्ञानता है। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी यही कहते हैं, वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी, यानी अनुभवी ज्ञानी हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, न पास्ट में न फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट जो है वो खत्म हो चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, और प्रेजेंट वो हमारी वास्तविकता है। तो प्रेजेंट में क्यों नहीं रहे, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट होता है, कोई भी व्यक्ति को फकीर कहते हैं, फकीर क्यों कहते हैं, कोई भी व्यक्ति को हम फकीर कहते हैं, फकीर क्यों कहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए फकीर कहना वो तो एक दृष्टिकोण है, मगर फकीर का मतलब होता है जो फिकर का खाका करे उसका नाम फकीर। हाँ फिर से कहिए स्वामी जी। फिकर समझते, चिंता, फिकर का खाका करे उसका नाम फकीर, यानी फिकर की ही पड़ी की बना जाए उसका नाम है फकीर, यानी उनको कोई सोचना ही नहीं है कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कपड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को सोने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये शरीर का क्या होगा, ये सब कुछ नहीं सोचते, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उसी को फकीर बोलते हैं। और इसीलिए उनको बहुत सारी हमारे जैसी सुविधा न होने के बावजूद भी वो आनंद में रहता है। ऐसे ये विज्ञान के उपयोग से भी हम हर प्रकार की परिस्थितियों में मुक्त और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया स्वामी जी कि आभास चला गया तो उसको दुनिया ही नहीं है उसके लिए। तो आभास चला जाने का मतलब क्या है, अगर आपने 5 इंद्रियों से दिखती हुई सभी प्राकृतिक अवस्थाओं को जब आपने उसकी वैल्यू 0 कर दिया तो फिर आपकी दृष्टि में कोई वैल्यू है ही नहीं। जो आए और चले जाए वो तो कर्म फल है ही। आप समझे ना, तो आपके लिए तो आभास है, बिगिनिंग होता है वो भी आभास, और एंड हो गया वो भी आभास, क्योंकि वो तो अवस्था थी, अभी इसको याद करने से क्या फायदा। और एक प्रश्न है स्वामी जी, अवधि ज्ञान का जो जिसको होता है वो उसके पहले के जन्म वो मेमोरी के कारण उसका समझ में आता है, वो देख सकता है मेमोरी में, वो मेमोरी कहाँ होता है, जाति स्मरण। अवधि में तो अभी का वर्तमान का दिखता है, वो पास्ट का नहीं दिखता है। वो जाति स्मरण में वो मेमोरी कहाँ रहता है स्वामी जी, ज्ञान दर्शन में तो मेमोरी जो है, वो उसकी मेमोरी है, वो मेमोरी किस में रहता है वो बताओ आपको। हमारे पास जो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के पीछे हमारे पास जो अज्ञान है, वो अज्ञान की परंपरा चलती रहती है, वो अज्ञान की परंपरा की लिंक अपने आप दिखती है उसको, क्या दिखती है उसका अज्ञान के परंपरा की लिंक, क्योंकि वो लिंक से ही हम याद लगाए हैं। वो डेवलपमेंट में भी नहीं है स्वामी जी,
ज्ञान की परंपरा की जो लिंक है वो लिंक से ही हम यहाँ तक आए, तो उनको लिंक दिखते है, लिंक के रूप में दिखता है, आप समझे। आप जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई पर, कोई भी चीज का जब आप बिगिनिंग एंड देखते हैं तो उसका बिगिनिंग तो होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो इसीलिए वर्तमान को अगर हम एंड मानेंगे तो आगे तो बिगिनिंग होगी ना। हाँ। ऐसे बिगिनिंग 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 चलती रहती है। हाँ। क्योंकि हम जन्म मरण काउंट करते हैं, कुदरत के कानून में जन्म मरण नहीं होता है। हाँ। वो आपकी अज्ञान की ही ब्रांचेस है। हाँ। और अज्ञान के आधार से आपको मनुष्य भव मिलता है, पशु योनि भी मिलती है, देवलोक भी मिलता है, नरकलोक भी मिलता है, फिर मनुष्य भव मिलता है, मगर ये अज्ञान की ही कंटिन्यूस ब्रांचेस है, ब्रांचेस है। हाँ। ये लिंक मिलती है, लिंक। आप जैसे आप पिछले भव में गए तो आपको मालूम होगा मैं क्या था, उसके बाद मालूम होगा उसके बाद क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, ऐसे आप ये अज्ञान की लिंक दिखती है। अगर आपका ज्ञान जितना, आपका जातीय समान ज्ञान जितना शार्प होगा, इतना आप पीछे जा सकते हैं। हाँ। वो लिंक होती है, क्या होती है, लिंक होती है। हाँ। ये 87 लाख जो विद्या मिलते मिलता है स्वामी जी, वो केवल ज्ञानी को 82 लाख, वो भी क्या डेवलपमेंट में दिखता है या मूल प्रकाश की प्रकाश में ही दिखता है? नहीं, 82 लाख विद्या है, ये कुदरत की विद्या है। विद्या का मतलब होता है आम आदमी उसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, इसको इसको व्यवहार सत्य से विद्या बताया। विद्या कोई चमत्कार नहीं है, मगर आम आदमी उसको नहीं पा सकते हैं, तो इसको विद्या बोला। आप समझे, ऐसी 82 लाख विद्या इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है। तो वो विद्या, वैसे तो लोग साधना करके एक एक विद्या प्राप्त कर सकते हैं एज पर इज रिक्वायरमेंट। मगर अगर आपका ज्ञान अनकवर हो गया तो ये विद्या अपने आप खुली हो जाती है। तो उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये विद्या का यूज करना है। मगर वो अनकवर हो गई, क्या हो गई, अनकवर हो गई। हाँ। तो इसीलिए इसीलिए ये विद्या कोई विशेष बात नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है और सभी प्रकार की विद्या टेम्पररी है। अभी जाति स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान, वो भी तो एक विद्या जैसी विद्या ही है। हाँ, वो भी विद्या है, कोई प्रकार का ज्ञान है, मगर ज्ञान विद्या के रूप में है, सभी लोगों के पास ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि केवल दर्शन के लिए ये विद्या होना आवश्यक नहीं है। नो कंडीशन एट ऑल, मिले या न भी मिले, उसे केवल ज्ञान केवल दर्शन से कोई मतलब। यानी वो जो भी डेवलपमेंट फुल हो जाता है केवल दर्शन के बाद, तो उसको ये विद्या ऑटोमेटिकली सब खुला हो जाता है केवल नेक्स्ट जन्म में। ये अनकवर होता है तो वो विद्या खुली हो जाती है, मगर अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वो तो अज्ञान मिटाने का डेवलपमेंट है। क्या है, अज्ञान मिटाने के, अज्ञान। मगर जब आपको ये दुनिया का रहस्य छह तत्वों के रूप में खुला हो जाता है तो सभी प्रकार का रहस्य धीरे धीरे खुला हो जाता है। कि ये कैसे होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपका अज्ञान खत्म हो गया और आपको केवल ज्ञान हो गया, तो फिर आपको ये धरती के नीचे पानी कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, सिल्वर कहाँ है, डायमंड कहाँ है, सब कुछ आपको दिख जाता है, मगर आप इसका यूज नहीं करते हैं।
आपके लिए वैल्यू ही नहीं है। मगर एक अज्ञानी को एक विद्या खुली हो जाती है तो लोग में उसकी वैल्यू हो जाती है। ज्ञानी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, 82 लाख विद्या है फिर भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिव और टेम्पररी है। ये अज्ञानी को जब वो विद्या खुल जाती है क्या, तो वो आत्मा के प्रदेश वहां खुला खुला हो जाता है, इसलिए दिखता है उनको। आत्मा का प्रदेश खुला हो जाता है तो सीधा उनको दिखता है उस प्रकाश में, वो रिलेटिव सत्य बीच में नहीं आता है। हाँ। देखने वाला और अनुभव करने वाला तो प्रतिष्ठित आत्मा ही है। हाँ। मगर प्रकाश जो है ज्ञान प्रकाश वो मूल आत्मा का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी अपने काले काले जे जे आपका सूत्र जे आवे छे आपड़े એની અંદર અનુભવી જ્ઞાની પુરુષની એક જ નિશાની એ ક્યારે પ્રશ્નોનું સમાધાન ના આપે તે નિર્વિકલ્પી બનાવે, તો પ્રશ્નોનું સમાધાન ના આપે નિર્વિકલ્પી બનાવે એનો મતલબ શું થાય? મને કહેને કા મતલબ હોતા હે જબ ભી અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ કોઈ પ્રશ્ન કા ઉત્તર દેતે હે તો વો સોલ્યુશન દેતે નહીં હે પ્રશ્ન કા, વો પરમેનન્ટ સોલ્યુશન દે દેતે હે। क्योंकि वो जो बात करते हैं वो सनातन सत्य की करते हैं, तो सॉल्यूशन भी परमानेंट हो गया, यानी प्रश्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और वो प्रश्न का नहीं, उसी प्रकार के लाइफ के जितने भी प्रश्न होंगे उसका समाधान आपको एक ही सिद्धांत में मिल गया, क्योंकि सिद्धांत तो सनातन है और प्रश्न तो टेम्पररी आते ही रहेंगे जीवन में, मगर आपको जो सॉल्यूशन मिल गया तो यानी प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे एक व्यक्ति ने मेरे को अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, एक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, तो भी मेरा अहम कहता है कि आप अपमान क्यों किया, वैसे तो मेरी गलती नहीं थी, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है। तो फिर भी उन्होंने अपमान किया तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, या तो बाहर रिएक्ट करेंगे या तो अंदर गलत बीज डालेंगे, नेगेटिव बीज डालेंगे उसके लिए, दो में से एक करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपमान करने वाला व्यक्ति जो है उन्होंने मेरा अपमान किया है। अभी आपको सनातन सत्य समझ में आ गया कि उनका मन वचन काया और मेरा मन वचन काया दोनों कुदरती रचना है और कुदरती कानून से काम करता है, और इसीलिए दोनों में से एक भी मन वचन काया अपने कंट्रोल में या तो स्वतंत्रता में नहीं है, और इसीलिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है। कुदरत ने कर्मों के हिसाब के मुताबिक हिसाब पूरा करने के लिए दोनों को मिलाया है, तो फिर उसमें तो राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपमान करने वाला व्यक्ति और जिसका अपमान हुआ दोनों कुदरती रचना है, यानी उसमें भी प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे? कोई कहेंगे कि भी हमारे को तो हस्बैंड और वाइफ को झगड़ा हो गया, तो स्वामी जी हम क्या करेंगे? तो व्यवहार में क्या उत्तर देंगे? भई आप ऐसा करो, एक व्यक्ति मौन हो जाओ, या तो एक व्यक्ति उनको लिए प्रार्थना करो, या तो एक व्यक्ति उनके लिए क्षमा मांगो, या तो एक व्यक्ति उनके लिए शक्ति मांगो। आप समझे ना? उधर मत तो यानी उन्होंने खुलवा दिया वीडियो फोन नंबर आ और किसी का आवाज आ रहा है? हाँ स्वामी जी। तो कहने का मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो तो टेम्पररी है। कोई कह के बहुत झगड़ा होता है तो आप माला गिनो, त्रिमंत्र गिन दो, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो એનો મતલબ એવો થાય સ્વામી જી કે અને વ્યવહારમાં સમાધાન થયું અને નિશ્ચયમાં નિર્વિકલ્પી બને એવો મતલબ થવાનો? તો કહેને કા મતલબ યે હે કે યે તો ટેમ્પરરી સોલ્યુશન હે, ફિર પ્રોબ્લેમ આયેગા, ફિર અસમાધાન રહેગા, ફિર ઓર કોઈ રાસ્તા બતાયેગા, તો યે તો કોઈ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નહીં હે,
परमानेंट सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपको समझ में आएगा कि सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया और मेरा मन वचन काया कंप्लीटली कुदरती रचना के अधीन है, यानी मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत ही है। फिर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें वेट देने की जरूरत नहीं है, उसको ही उससे ही हमको अलिप्त रहने की जरूरत है, सेपरेट रहने की जरूरत है, दैट्स इट। और कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान के अंदर कोई भी व्यक्ति को संसारी प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता है, उनको मालूम है कि जब मेरा मनोवचन गाया या तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मनोवचन गाया, जब कुदरती रचना है या तो उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों ही कुदरत ही है, तो फिर प्रश्न करने का मतलब ही क्या है। जहां तक ये साइंस नहीं मालूम है और धार्मिक और सामाजिक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन तो अपूर्ण रहेगा और उसमें तो हर समय आपको कंफ्यूजन भी रहेगा और प्रश्न भी रहेगा, और यहां तो प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं रहता है। નિર્વિકલ્પી એટલે અંદર અંદરથી જે સોલ્યુશન મળે એને નિર્વિકલ્પી કહેવાય, એનો મતલબ એવું થયો? અંદર અંદર સે સોલ્યુશન કો તો બરાબર હે, સોલ્યુશન તો અંદર હી પાના હે ઓર અસમાધાન ભી અંદર હી હોતા હે, મગર સોલ્યુશન કોન સે બેઝ પર હે વો ઇમ્પોર્ટન્ટ હે। આપકા સોલ્યુશન સનાતન સત્ય કે ઉપર આધારિત હે ઓર રિલેટિવ સત્ય કે ઉપર આધારિત? अगर रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित सॉल्यूशन मिला है वो टेम्पररी रहेगा, फिर दूसरी बार प्रश्न ऐसा आएगा, फिर प्रश्न करोगे, फिर आपको उत्तर देगा, फिर संजोग आएगा, फिर प्रश्न उठेगा, फिर आपको समाधान करना पड़ेगा। मगर अगर आपको बाहर के संजोगों का एक बार परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया कि आपका मन वचन काया जन्म से मौत तक जो कुछ भी करता है वो कुदरती रचना के अधीन है, और दुनिया के सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो भी कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और कुदरत दोनों को मिलाते ही अपने कर्मों के फल स्वरूप हिसाब खत्म करने के लिए, तो फिर इसमें कंप्लेन और क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं, कंप्लेन की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इससे अलिप्त रहो इतना काफी है। संजोग तो आके खत्म हो जाने वाला है, आपको कंप्लेन क्यों होता है? क्योंकि आप संजोग को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मगर जब आपको मालूम हुआ कि ये कुदरती रचना है तो फिर आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर એનો મતલબ એવું થાય એમ કહું છું, મતલબ ફિર વિકલ્પ રહેગા હી નહીં ને કે ભી એસા ક્યું હુઆ, એસા ક્યું કરતે હૈ, એસા બાર બાર ક્યું કરતે હૈ, ભઈ જિતને ભી બાર કરેંગે વો કુદરતી રચના હી હૈ, क्योंकि कुदरत ने तो किसी को भी श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो फिर कितनी बार करते का मतलब क्या है? कंप्लेंट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम कितना ये विज्ञान का सही तरह उपयोग कर सकते हैं वही देखने का है, और नहीं कर सकते तो वो हमारी कमजोरी है, तो और विज्ञान को अप्लाई करके मजबूत करो। बराबर, मगर कंप्लेंट करने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो जब कंपल्सरी है तो कंप्लेंट करने से क्या फायदा? हाँ, तो इसीलिए ये विज्ञान से कोई भी व्यक्ति को परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है और धार्मिक सत्य सामाजिक सत्य से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, और टेम्पररी सॉल्यूशन बार बार लेना पड़ता है, मतलब प्रश्न का भी अस्तित्व रहेगा और उत्तर का भी अस्तित्व रहेगा। जब आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा कुदरती कानून के रूप में, तो फिर वो परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा, बाद में प्रश्न उठेगा ही नहीं कि भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बराबर, और इसीलिए यहाँ कोई सामाजिक प्रश्न करते क्यों नहीं है? क्योंकि उसको भी दिक्कत आती है समाज में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, मगर उसको मालूम है जब कुदरती रचना है तो फिर प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। बराबर, निर्विकल्पी बनी गया। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान वो प्रश्नों का समाधान नहीं देते हैं, प्रश्नों का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। बराबर, समझेगे हसन। ओके ओके।
સ્વામીજી. અને બીજો એક હતો, આપણે આ જે વિધિ બોલીએ છીએ એમાં વ્યવહારે સદબુદ્ધિ દો અને નિશ્ચય મે અભિવૃદ્ધિ દો, તો સદબુદ્ધિ અને અભિવૃદ્ધિમાં શું ફેર? व्यवहार सद्बुद्धि का मतलब होता है संभाव से निपटारा करने की भावना, और निश्चय को निश्चय में अभिवृद्धि का मतलब होता है शुद्धात्मा पद में स्थिर रहकर बाकी की दुनिया को हम सिर्फ या तो कुदरती कानून से देखें, या तो कुदरती रचना से देखें, या तो छह तत्वों से देखें, बस निश्चय में अभिवृद्धि. तो निश्चय में अभिवृद्धि हो और व्यवहार में संभावे निकाल, न राग न द्वेष. जय सच्चिदानंद स्वामी. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. और स्वामी जी आपका स्वागत है अलवर में. पधारिए 22 और 23 दिसंबर को. सब महात्माओं की अनुमति है. हाँ हाँ, क्या आपने पुरुषार्थ बताया दो, एक तो प्रकृति से मुक्त रहना और दूसरे आत्मा की गुणों की भजना करना. तो आत्मा के गुणों की भजना, वो मैं अरूपी हूँ, मैं असंग हूँ, यही भजना है क्या? जो 5-6 सेंटेंस है वो ही भजना. हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही स्वामी जी? नहीं आ रही है. हेलो, हाँ अब आ रही है. okay. अब आ रही है. तो अच्छा, यही भजना है. तो आत्मा के गुणों की भजना मतलब आत्मा की ही क्वालिटी होना चाहिए. मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, आप समझे ना. मैं अविनाशी हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त. तो ये अच्छा, आत्मा का गुण रहेगा. और दूसरा क्या बताया आपने? ये प्रकृति से मुक्त रहना. प्रकृति से मुक्त रहना. तो प्रकृति से, हाँ. प्रकृति से मुक्त रहने का मतलब ये विज्ञान का उपयोग करना कि मैं कौन हूँ और ये मन बताया क्या है और इसको कौन चलाता है, इसका ये विज्ञान का उपयोग करना, आप समझेंगे. वो विज्ञान से आप प्रकृति से मुक्त रह सकते. प्रकृति और परमात्मा वैसे दोनों अलग ही है और अलग ही रहेंगे, मगर अज्ञानता के बस हम जुड़ जाते हैं. हाँ, ऐसा मतलब रहना चाहिए कि मैं अशुद्धात्मा हूँ, प्रकृति अलग है, इसको चलाने वाले कुदरत है, ऐसा हर समय ऐसा अवेयरनेस रहनी चाहिए. अवेयरनेस रहनी चाहिए. करेक्ट. ठीक ठीक. और दूसरा क्वेश्चन है स्वामी जी, जैसे कोई जीव कोमा में चला जाता है, तो वो कोमा में चला जाता है तो उसको वैसे तो कुछ पता नहीं रहता, पर उसको सफरिंग रहती है उस जीव को? कोमा में चला जाते हैं उनको शारीरिक सफरिंग तो नहीं रहेगी. अच्छा. मानसिक सफरिंग भी नहीं रहेगी, मगर अच्छा, उसका ज्ञान दर्शन जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो काम करता ही रहेगा. अच्छा, जो भी ज्ञान दर्शन होगा ही रहेगा. अच्छा, जिस लेवल का वो ज्ञान, हाँ, जो भी लेवल का ज्ञान दर्शन होगा वो काम करेगा. अच्छा, काम करता रहेगा, वही काम करता रहेगा. जो लेवल का होगा वही काम करता रहेगा. क्योंकि मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा कभी अनकॉन्शियस नहीं होता है. अच्छा. प्रकृति अनकॉन्शियस हो सकती है. अच्छा ठीक है स्वामी जी. और अगर डॉक्टर बेभान बनाने का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो प्रकृति को ही बेभान कर सकते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा को बेभान नहीं कर सकते हैं. और इसीलिए कितने भी लोग जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो बोलते थे कि स्वामी जी मैं तो शुद्धात्मा हूँ बोल के ऑपरेशन थिएटर में गए और पूरा ऑपरेशन हो गया, मैंने प्रकाश में देखा कोई वेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं, और प्रकाश में एक मालूम होता है कि कोई व्यक्ति ये बॉडी को कुछ कर रही है, हालांकि डिटेल में मालूम नहीं होता है, मगर मेरे ज्ञान दर्शन से अनुभव होता है. संवेदना नहीं होती है. क्या नहीं होती है? फिजिकल संवेदना नहीं होती है. मगर जागृति काम करती है, आप समझे.
तो जैसे जैसे पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और जब कॉन्शियस होता है तो उसको पहले ही मालूम हो जाता है कि स्वामी जी पूरे ऑपरेशन के दरमियान मेरे को कोई वेदना नहीं, कोई भय नहीं, आप समझे ना, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और मैंने पूरी ऑपरेशन के दरमियान मैं अंदर शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, वही जागृति बनी रही, तो कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप समझे ना। तो ऐसा अनुभव हजारों लाखों महात्माओं को होता है। ठीक है स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बता, जैसे कोई ज्ञानी पुरुष जैसे शायक शंकित हो चुका हो कोई मनुष्य, और फिर वो नरक गति में जाए और एक अज्ञानी मनुष्य नरक गति में जाए, तो दोनों का सफरिंग एक ही होगा? तो नरक गति में तो ज्ञान दर्शन नहीं होता है। तो एक बार स्वामी जी सत्संग में मैंने ऐसे सुना था आपका, पता नहीं गलत सुना या कैसे, कि जैसे केवल दर्शन होने के बाद वो नरक गति में अनुभूति नहीं होती, वो क्या चीज बोली आपने? अनुभूति नहीं होती मतलब? पता नहीं मेरे को ऐसा सुनाई अनुभूति, प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव होता ही नहीं है और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में अनुभव होना वो तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए एक ही है। जब होता ही नहीं है तो एक्टिव फॉर्म में होता नहीं है, मगर प्रकृति जो होती है कर्मों के भुगतान के लिए वो तो वही काम करेगी जो कॉज है, उसी के मुताबिक इफेक्ट आएगी, चाहे सातवीं नरक है, चाहे पहली नरक है, चाहे चौथी नरक है। तो फिजिकल फॉर्म में भुगतान तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को इक्वल रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो फिर राग द्वेष का कोई सवाल नहीं है। नहीं एक बार कुछ ऐसा मेरे को, हाँ समझे समझी स्वामी जी, लेकिन एक बार आपने शुरू के ही सत्संगों में मार्च अप्रैल में मेरे को पता नहीं ऐसा समझ में आया कि केवल दर्शन के बाद और वो उनको छायक समकित होने के बाद वो उनको अनुभूति नहीं होती नरक गति में, उनको अनुभूति नहीं होती, केवल दर्शन जिनको हो चुका होता है फिर उनको नरक गति जाते हैं तो उनको अनुभूति नहीं होती, किस चीज की नहीं होती ऐसा सुना, पता नहीं क्या गलत सुनने में आ गया क्या हुआ। हो सकता है कोई प्रॉपरली होगा, कोई एंगल से मैंने कहा होगा, नहीं अभी अच्छा। मालूम मेरे को, मगर अच्छा। कोई आगे पीछे का रेफरेंस तो मेरे को मालूम होता है, मगर क्योंकि अच्छा। वहां तो आपका प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव होता ही नहीं है तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक ही हो गए वहां तो। वो तो स्वामी जी आपने बहुत बार बताया है, हो सकता है कोई एंगल से बताया होगा, नहीं मालूम मुझे। अच्छा 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 स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी। मुझे पूरा इस अभी हम जो साइंस समझ रहे हैं तो साइंस में जो पिलर है कुदरत कुदरती कानून कुदरती रचना परमात्मा प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति, तीन लोक नरक लोक मनुष्य लोक और देव लोक और शास्त्र ज्ञानी ज्ञानी और केवल ज्ञानी, जो चारों पिलर है उस सब में प्रकृति में परमात्मा और प्रतिष्ठित आत्मा, तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल बड़ा सबसे ज्यादा है, तीन लोक में मनुष्य लोक का रोल ज्यादा है और कुदरत कुदरती रत्ना और कुदरत कानून में कुदरत कानून का रोल ज्यादा है और ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी ज्ञानी और केवल ज्ञानी उसमें ज्ञानी का रोल महत्व का है। मीन्स के सभी में एक एक ऐसी चीज है कि पूरा साइंस को कंट्रोलिंग में वो चार चीज काम करती है। और दूसरा प्रतिष्ठित आत्मा है वो भी तत्व नहीं है, कुदरती कानून भी तत्व नहीं है और दोनों एक आदेश करता है तो एक दूसरा आदेश का पालन करता है, तो एक अपने लगता है, लेकिन छह तत्वों के बिना काम होता ही नहीं, लेकिन एक आदेश करने का काम प्रतिष्ठा आत्मा करता है, प्रतिष्ठा करने के लिए जो करता है उसका पालन कुदरती कानून से होता है। तो ऐसा लग रहा है
कि पूरा साइंस में जो चार पिलर दिख रहे हैं, चारों पिलर में जो बीच वाला भाग है चारों में, इस सब में इंपॉर्टेंट है। एक में कुदरती कानून इंपॉर्टेंट है, एक में मनुष्य लोक इंपॉर्टेंट है, एक में ज्ञानी पुरुष इंपॉर्टेंट है, तो एक में प्रतिष्ठात्मा इंपॉर्टेंट है। पूरा साइंस में इस चारों का रोल ऐसा लग रहा है कि सब इंपॉर्टेंट पार्ट वो बस प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो आपको प्रश्न क्या करना है? प्रश्न क्या है कि जो तत्व नहीं है वो प्रतिष्ठात्मा तत्व नहीं है, कुदरती कानून तत्व नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठात्मा जो प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठा करके जो कर्म कर बांधते हो पालन कानून से वजह से होता है। जिस कानून जो सरकारी कानून तो होता है, सोशल कानून, कुदरती कानून और सामाजिक कानून, तो ये तीनों कानून में तो हमारा कानून को लिखा हुआ कानून नहीं है, लिखा हुआ से ज्यादा होती है। सामाजिक कानून हम समाज से बदले, कुदरती कानून कुदरत कानून से चलता है और सरकारी कानून, लेकिन हमारा कानून है ये हमारे से चलता है। आपने जो चार बातें बताई ना, चार बातें को अगर संक्षिप्त में एक ही शब्द में बताएंगे तो इसको अज्ञान कहेंगे। अज्ञानता। ये चारों बातों को एक शब्द में कहेंगे तो उसको अज्ञानी कहेंगे। आखिर सबका मूल अज्ञान है, पर ये अज्ञान नाबुद को अज्ञान का केवल ज्ञान में कन्वर्ट करना का काम भी वही चार चीज करती है। मनुष्य लोक में मनुष्य करता है, वही तो चार है। अज्ञान में वहां तक तो चारों गति है ही, तो चारों गति है, तो उसमें कुदरत भी आएगा, कुदरती कानून भी आएगा और कुदरती रचना भी आएगी। जहां तक अज्ञान है वहां तक, और जब अज्ञान नाश हो जाएगा, धीरे धीरे करके अज्ञान नाश हो जाएगा और एक दिन सभी प्रकार का अज्ञान नाश हो जाएगा, तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। भले ही प्रकृति क्यों ना हो, भले अज्ञान नाश होने के बाद मेरे दो भव बाकी है, तीन भव बाकी है, मगर वो प्रकृति मेरे को मुक्ति के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती है और आज भी मुक्तता की अनुभूति में बाधा नहीं डाल सकती है, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में जो बाधक है वो सिर्फ संजोग नहीं थे, अज्ञान था। केवल ज्ञानी को भी संजोग होते, मगर क्यों बाधक नहीं है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। ज्ञानी को भी संजोग होता है, क्यों बाधक नहीं है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। तो आखिर सेंटर पॉइंट क्या आ गया? कितना सारा दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अज्ञान है तो सब कुछ होता है, अज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा जितना भी रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपकी दृष्टि में जीरो हो जाएगी, इतनी ही सनातन सत्य की वैल्यू और आत्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। सनातन सत्य का मतलब होता है तत्व की वैल्यू, और तत्व दो प्रकार के हैं, एक चेतन है, दूसरा जड़ है, और बाकी के चार तत्व जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है। तो फिर आपको जब तत्व समझ में आएगा, अज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर उसमें कोई लाभ नुकसान, पाप पुण्य, प्रॉफिट लॉस, प्राप्ति और लॉस करना, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आप है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यही था कि भी तीन लोक है तो मनुष्य लोक ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से हम मोक्ष का मार्ग निकाल सकते हैं। देव लोक में नहीं हो सकता है, नरक लोक में नहीं हो सकता है। आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और परमात्मा, ये तीनों में हम प्रतिष्ठित आत्मा की वजह से हमारा मोक्ष हो सकता है और बंधन हो सकता है। और कुदरत, कुदरती कानून, कुदरत रत्ना में कुदरती कानून वजह से हमारा चक्र चालू रहता है। और शास्त्र ज्ञानी, ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ज्ञानी से वजह से हमारा उकेल होता है, केवल ज्ञानी से नहीं होता है, केवल ज्ञान तो बाद में स्टेज आता है, शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन है कि चारों में उसका रोल इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इसी वजह से ही सब बंधन हो सकते हैं, इसकी वजह से सब निकाल हो सकते हैं। अगर इसीलिए तो मैंने कहा अज्ञान की बात करेंगे तो भी सिर्फ मनुष्य भाव में है,
और अगर विज्ञान के समझने की बात करेंगे तो भी सिर्फ मनुष्य भाव में है, और अगर मुक्ति पाने की अनुभूति करना है तो भी सिर्फ मनुष्य भाव में है। बाकी की जो गति है वो तो यहाँ के अज्ञान का रिजल्ट है, प्रोसेस तो यहाँ हुई है ना। एटले ये तो हमारे एक डिस्कशन में क्वेश्चन ऐसा हुआ था, तो ये बोल रहे हैं अभी जो हम साइंस समझ रहे थे सब में इस चीज आती है कि तीन लोग की बात करते मनुष्य लोग का इंपोर्टेंट बढ़ जाता है, तो वो हमारी आत्मा परमात्मा प्रत्यात्म में बात करते प्रत्यक्ष आत्मा का महत्व बढ़ जाता है समझने में, कुदरत कुदरत कानून कुदरत नाम कुदरत कानून का महत्व बढ़ जाता है, शास्त्र ज्ञानी ज्ञानी और केवल ज्ञानी में ज्ञानी का महत्व बढ़ जाता है, इन चारों में वो एक ही चीज ऐसी है तो है कि जिसे हमारा सॉल्यूशन आता है, क्वेश्चन क्रिएट करना सॉल्यूशन करने का चारों में एक ही चीज ऐसी है सब में, साइंटिफिक में समझ रहा हूँ। नहीं वो बराबर है, आपने जो समझा है तो चारों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपने समझा है वो बराबर है, करेक्ट है ना। कभी किसी तो, किसी का क्वेश्चन आता है बाकी में सब में मैंने कहा ने कि आपके सभी प्रश्नों का जो चारों की जो इम्पोर्टेंट बताया उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अज्ञान। अज्ञान है तो मनुष्य के साथ चारों गति है, अज्ञान है तो कर्म और कर्म फल है, अज्ञान है कुदरत और कुदरती कानून का असर भी है, और अगर अज्ञान नहीं है कर्म नहीं है जन्म मरण नहीं है कुदरती कानून का कोई असर नहीं है उसी को तो मोक्ष कहते हैं। नहीं, लेकिन अज्ञान का सॉल्यूशन चारों में चारों पिलर में इट्स सब इम्पोर्टेंट है, अज्ञान को डेमोलिश करने के लिए चारों में ये चार चीज इम्पोर्टेंट चारों पिलर में, जैसे लोकशाही के चार पिलर में चार ऐसा लगता है मुझे। आवाज आ रहे हैं जैसे लोकशाही में चार पिलर होता है ऐसा पिलर चार पिलर रखता है हमारा स्पिरिचुअल साइंस में, ये चारों पिलर में और एक क्वेश्चन है स्वामी अप्त सूत्र का, आत्मा प्राप्त एनी निशानी सी पोतानी प्रकृति नो फोटो पाड़ता आवड़ियो ते, अभी आपे उसको कैसे समझ सकते हैं। ज्ञानी पुरुष ने बहुत सिंपल बताया, अगर आप आपकी प्रकृति का फोटो ले सकते हैं तो वो आप आत्मा को देखते हैं, ये उसके साइन हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आत्मा का फोटो होता नहीं है, जिसका फोटो होता है आत्मा नहीं है, और फोटो हमेशा विनाशी है, फोटो की अवस्था हमेशा टेम्पररी होती है और हम उसकी वैल्यू करते हैं क्योंकि हमारी अज्ञाता है। आखिर सब बातों में टेम्पररी का ही टेम्पररी को ही प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये फोटो का मतलब होता है यू प्रोजेक्ट द टेम्पररी एंड परमानेंट, यू सेपरेट द परमानेंट एंड टेम्पररी, फोटो का मतलब टेम्पररी। वन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ दिस इज द दैट्स इट, मैं हूं तो फोटो है, मैं नहीं हूं तो फोटो कैसे होगा, मगर फोटो परमानेंट कैसे हो सकता है ऐसे? ये जो मेरी प्रकृति है वो प्रकृति मेरे कर्मों के फल का फोटो है, क्योंकि यही प्रकृति से मैं कर्म प्लान करता हूँ, तो ये फोटो है, तो फोटो के मैं इम्पोर्टेंट मत दूं, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट दूंगा कि मैं हूं, तभी अज्ञान है और तभी कर्म है और तभी कर्म फल है, और फल के लिए सब अवस्थाएं कुदरत ने मेरे को दिया है, चाहे वो मनुष्य भाव है पशु योनि नर गति और देवलोक, तो सबका कारण मैं हूं। अगर आत्मा ही नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, तो कर्म भी नहीं है, तो जन्म मरण भी नहीं है, बाकी सब फोटो का मतलब होता है टेम्पररी। जो एक आप्त सूत्र के पीछे दूसरा आप्त सूत्र ऐसा है कि प्रकृति ने निहालते पुरुष, प्रकृति को जो निहालता है उसको पुरुष बोलते हैं, और प्रकृति ने निहाल ही रहा है वो परमात्मा। जहां तक आप रिलेटिव और रियल दोनों को अलग करते रहते हैं, जिसको हमने कहा परम विनय, परम विनय का मतलब होता है टेम्पररी और परमानेंट दोनों को अलग करना,
अलग रखना, अलग अनुभव करना, इसको कहते हैं परम विनय। वो कहते हैं प्रकृति को निहारना, और प्रकृति को निहारना का खत्म हो गया, देखना अनुभव करना सेपरेट करना खत्म हो गया, वही परमात्मा हो गया। जब आपको केवल ज्ञान हो गया तो आपको प्रकृति को निहारना नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, और प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं। बराबर, प्रतिष्ठित आत्मा है तभी तो आप सेपरेट करोगे ना। बराबर, उसमें से हमारा सब एंकर के लिए एक एक गाइडलाइन मिलता है सभी अपना डिस्कशन से, कि जब एंकर कोई भी सब्जेक्ट लेता है तो उसमें क्या होता है कि भी आपका सुना हुआ होता है, ऐसा सर्च नहीं करते। देखो सपोज अभी हम टीवी में किसी एंकर को देखते हैं, तो अभी का क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी देखो कि भी यूएस में इलेक्शन चल रहा है, तो वो दोनों कैंडिडेट के बारे में कुंडली निकाल देते एक दिन में, आज मालूम हुआ तो पूरा कुंडली निकाल देते, बाइडेन ऐसा इसका जनम ऐसा इतना बार इलेक्शन लड़ा, और यूएस का इलेक्शन का प्रोसेस बता देता है एक दिन। अभी डिस्कशन हुआ तो हमारे एंकर के लिए भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि जब एज ए एंकर हम किसको सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे मन में इसके बारे में पूरी डिटेल दोनों साइड की होनी चाहिए, रिलेटिव और रियल। इसके बिना हमारा एंकर का रोल परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब एंकर तो रिलेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिव इतनी परफेक्ट बात कर रहे हैं कि हम चैलेंज से बात करते हैं कि पूरा कुंडली निकाल के देते कोई भी चीज। एक मंदिर का विजिट लेते हैं एंकर, तो मंदिर के बारे में पूरा डिटेल दे देता है, तो क्या होता है उसकी इफेक्ट जो समझने वाले में ऐसी पड़ती है। ऐसी तरह ये सब एंकर जो काम कर रहे हैं उसके लिए ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि कोई भी तुम सब्जेक्ट लेके जाते हैं किसके सामने, तो दोनों चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, कुंडली दोनों की अपने पास होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट लिया है। ये सब जो अपने कुदरती कानून है, तो कुदरती कानून का मीनिंग क्या है? जो कानून समाज नहीं बना सकता, गवर्नमेंट नहीं बना सकते, उसको कुदरती कानून बोलते हैं। यस, इसी तरह और कुदरती कानून बियॉन्ड बाउंड्री है, जो कि सबके लिए है। बियॉन्ड बाउंड्री दैट मींस गवर्नमेंट का कानून तो बाउंड्री वाला है, और कुदरत का कानून बाउंड्री लेस है, यानी सभी जीवों को इक्वल लागू होता है। हम जी जब लॉ में पढ़ते थे तो इस टाइम एक केस आया था भी कि इंश्योरेंस कंपनी वाला ने उसको इंश्योरेंस देने का ना बोल दिया, तो एक मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में लॉयर ऐसे बोलता है, जज जजमेंट इसी तरह देता है कि जब ड्राइविंग कर रहा था आदमी, उसके आगे जो साइक्लोन से वजह से कागज आ गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ना बोल रही है कि भी उसको हम अब इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो जज बोल रहा है कि लॉ ऑफ नेचर की वजह से उसको बोला भी आपको ये मुआवजा देना पड़ेगा। दैट मींस कि जहां पे सरकारी कानून नहीं है, जहां सोशल कानून नहीं है, वहां कुदरत कानून रियल में भी वर्क करता है। जब जज जजमेंट देने में लिए वो भी काम करता है। इसी तरह हमारा होता है, अभी कोई हमारे सामने कुछ भी लेके आता है तो हम इस सब में निकाल कर रखे भी, ये कुदरती कानून है, ये सोशल कानून है, ये सामाजिक कानून है। तो ये इससे मालूम होता है, उससे मालूम होता है कि भाई ऐसा कोई कहते हैं ना कि भाई जैसे कहीं डेवलप कंट्री जो होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट, इज नॉट फॉर द ओनली सिटीजन, ह्यूमन राइट इज इट मीन। अगर कोई अमेरिका में अंदर दुनिया के कोई भी व्यक्ति विजिटर के रूप में भी गए तो भी उसको ह्यूमन राइट मिलता है। या वो सिटीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ह्यूमन राइट। या इसका ह्यूमन दे गॉट इट, वो बीमार हो गया तो वहां की जो मेडिकल फैसिलिटी उनको फ्री मिल जाती है, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन राइट। वो डेवलपमेंट वाली कंट्री ऐसा समझते हैं। या राइट राइट, और यहां आया
तो उनको खाना देना चाहिए, अगर वो भिखारी है कुछ है नहीं तो हम इसको खाना देंगे, कपड़ा भी देंगे, वो ह्यूमन राइट्स बोलते हैं उसको। That was the one type of natural law, कुदरती कानून हो गया ना, कोई लॉ नहीं है लेकिन ह्यूमन राइट्स है। तो इसको तो कहने का मतलब ये है, मगर वो सभी जगह पे नहीं होता है, सभी जगह पे नहीं होता है, ना सभी जगह नहीं, मगर जो डेवलप कंट्री है वो ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में आए हुए कोई भी व्यक्ति को कम से कम मिनिमम राइट फूड क्लोथ्स ये उसको और मेडिकल ट्रीटमेंट इतना तो कम से कम मिलना चाहिए जहां तक हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री से बाहर निकल जाए फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो इसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आप अपने कविराज में पद मुको जरा इंटरवल। ओके स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संभरातो नहीं स्वामी जी। तो ये थोड़ा समझवू तो आखो नहीं समझाया अत्यारे तो तुम्हें एक एकाद एक बे लीटी कहता हो तो समझा आपको तो वार लागे। ना ना वांदो नहीं, एक बे लीटी में प्रॉब्लम छे मने। बोलो बोलो बोलो। એમનો એ છે કે આ ભજન મારનું સામાયિક ગહન એ પદ છે એમનો, એમાં નમસ્કાર નિર્ય ચ નમસ્કાર નારકી, તો એમાં શું કહેવા માંગે છે? નમસ્કાર નિર્યચ નથી, તિર્યંચ છે। નિર્યચ નથી, તિર્યંચ, તિર્યંચ ત તપેલીનો ત તિર્યંચ। અચ્છા ત છે તિર્યચ, હા। અને નમસ્કાર નારકી, નારકી એટલે નરક ના જેવો, તિર્યંચ એટલે એકેન્દ્રિય થી પંચેન્દ્રિય ના જેવો। અચ્છા, બીજું છે, બીજું સ્વામીજી છે કે ભૂત ભડકાટ અભય ભાવી ભાવી કાચ સાને જાય, એટલે બોલો તો ભૂત ભડકાટ, ભૂત ભડકાટ અભય ભાવી કાચ સાને જ ભય, તો એ ખબર ના પડી કે ये समझ में नहीं आया तो वो क्या कहना चाहता है? ये कविराज ये कहना चाहे भूत और भविष्य का भय रखने से या भड़का अनुभव करने से क्या फायदा? अच्छा, जो अभी हुआ ही नहीं है और हो गया है उसका भी भय रखने की जरूरत नहीं है, और जो होने वाला है उनके लिए भी भय रखने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में रहो क्योंकि आप वर्तमान में हो, भविष्य में नहीं हो और भूत में भी नहीं हो। और लास्ट है स्वामी जी, वीत राग भजन मान बार में गुठान, तो बार में गुठान क्या है? बार में गुठान का मतलब होता है सहायक संकेत कहो या केवल दर्शन कहो या अज्ञान का 100% नाश भी कहो, सब एक ही टाइटल है। 12th के बाद कोई व्यक्ति नीचे नहीं आती है, फिर उसके बाद केवल ज्ञान ही है, लास्ट उनके बाद का स्टेप केवल ज्ञान। अच्छा, उसको बोलते हैं बारहवें गुठान। वो अलग अलग परिभाषा है, जैन परिभाषा में उसको 12th बोलते हैं, बारहवें गुठान, कोई इसको केवल दर्शन कहते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी। इसको शायद संकेत भी कहते हैं उनको, सब एक ही टाइटल है, मीनिंग एक ही है। समझ गया स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपके सत्संग में सुना है बार बार की जैसे रिलेटिव ज्ञान है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, सिर्फ हमने जो भी रिलेटिव सत्य का नाश किया है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ये सही है? मतलब मैंने जो ये किया है वो आपने कहा ऐसे कि रिलेटिव ज्ञान है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नहीं,
ऐसा ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं समझने का। मैंने क्या कहा कि जो रिलेटिव सत्य को देख कर, रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य समझ कर जो राग द्वेष करते हैं, वो राग द्वेष तो साथ में आएगा ही, मगर रिलेटिव सत्य का ज्ञान का मतलब होता है, आज आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आज आपने कोई किताब पढ़ी है, आज आपके पास कोई हुनर है फिजिकली, तो ये सब कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी, मैं मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो रिलेटिव ज्ञान, मतलब ये जो डॉक्टर का बताया या इंजीनियरिंग का बताया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। हाँ, तो स्वामी जी ऐसे ऐसे अध्यात्म का ज्ञान भी नॉलेज के रूप में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, डेवलपमेंट के रूप में ही कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा स्वामी जी, तो अभी ऐसे ये तो मैंने खुद ने देखा हुआ है कि मतलब 3-4 साल का लड़का है, वो ऐसे कुछ बिगड़ी हुई चीज ऐसे ऐसे करके बना देता है, और वो एक बार नहीं, ऐसे बार बार ऐसे वो लड़का हर चीज है वो फिक्स कर देता है, तो वो किस प्रकार का, फिर उसको इतना छोटा लड़का तो कभी ऐसे उसे तो उसको कुछ नॉलेज है नहीं स्वामी जी, तो फिर उसने कैसे किया? हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई चीज ऐसी होती है जिन्होंने उस प्रकार से कोर डाला है, तो इफेक्ट के रूप में तो आएगा ही। हाँ, यानी वही मैं पूछने वाले थे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा, भाव किया होगा कि हमें इसमें एक्सपर्ट होना है या ऐसा कुछ, ऐसे उन्होंने भाव किए होंगे। हाँ, कोई भी चीज को एकाग्रता से करते हैं, राग से या द्वेष, वो चार्ज हो जाती है, अटैचमेंट से करती है तो वो चार्ज हो जाती है और नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होगी। जैसे 5 साल का बच्चा पूरी गीता कंठस्थ करके मुंह पे बोल देता है। अच्छा अच्छा, वो बोल सकते हैं। हाँ, वो पिछले होता है, चार्ज कर दिया तो ये डिस्चार्ज है। आप समझो, ये मेमोरी नहीं है, मेमोरी इज डिफरेंट थिंग, मेमोरी नहीं है, ये चार्ज का डिस्चार्ज है। चार्ज का डिस्चार्ज है, तो बस वही थोड़ा जानना था कि वो किस प्रकार से ऐसे होता है, क्योंकि आपने कहा कि वो कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होता है बिल्कुल भी, तो ये इस तरह से होगा कि वो उस तरह से चार्ज हो जाता है और उसके बाद में फिर डिस्चार्ज होता है ये भाव में। बस हाँ, चार्ज का तो डिस्चार्ज होगा मैम। हाँ, मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे इसको पिछला भाव दिखता है तो वो दिखता है, वो मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है वो। हाँ हाँ, और मेमोरी है, पिछले भाव की मेमोरी है। अच्छा, तो इसको जाती है स्मरण, मगर नॉलेज किसको कहते हैं, शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, क्रिया का ज्ञान। हाँ, बरोबर। पर ये मैकेनिकल ही करता है, ये लड़का जो है, ये बच्चा है, मैकेनिकल करता है, वही तो मैंने कहता हूँ, डिस्चार्ज है उसका। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब है मैकेनिकल, उनको बुद्धि की जरूरत नहीं है, इतना ऑटो मोड सिस्टम, ऑटो मोड होता है सिस्टम। अच्छा अच्छा, तो बस उसने उसको ऐसा हो सकता है कि उसको साल का बच्चा पूरी गीता की पुस्तक बोल देता है, तो इट इज नॉट अ मेमोरी ऑफ दिस बर्थ। बराबर, तो पिछले अवतार में प्ले होता है, प्ले समझते हैं। हाँ, यानी ऐसा स्वामी जी कह सकते हैं कि पिछले अवतार में वो बहुत ही एकता से उसमें जुड़ गया होगा, उसे बोलता है कि नहीं मुझे तो अभी ऐसा ही चाहिए हमेशा के लिए कि मैं कंठस्थ गीता बोलूं, ऐसे कुछ भाव हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है ऐसे ही ना स्वामी जी? ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस मेमोरीज एंड चार्ज एंड डिस्चार्ज।
ये दोनों अलग अच्छा, करना पड़ेगा। मेमोरीज क्या है, बराबर है, ये अवतार में आपको मालूम है कि मैंने 5 साल में ऐसा किया था, 10 साल में ऐसा किया था, 15 साल में ऐसा किया था, मैंने ये पढ़ाई किया था, मैंने ये पिक्चर देखा था, मैंने इसका सुना था, ये सब मेमोरी। बराबर है स्वामी जी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, बराबर है। मगर ये अवतार में जो चीज में आप अटैच हो गए ज्ञान दर्शन से, तो वो चार्ज हो गया, तो वो चार्ज के फॉर्म में आता है, मेमोरी के फॉर्म में नहीं आता। अच्छा अच्छा, चार्ज के फॉर्म में आता है, यानी डॉक्टर है कोई तो वो उसमें वो अटैच होके करता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है उसका। हाँ, यादगिरी का मतलब होता है याद करना। अच्छा अच्छा अच्छा, यादगिरी होती है वो, यादगिरी की कोई चीज होती है तो हमको याद करना पड़ता है। बराबर है, ये चीज याद है या तो भूल भी गया। हाँ हाँ, बराबर है सर। मगर चार्ज का डिस्चार्ज होना वो मेमोरी नहीं है, वो अपने आप आएगा, वो अपने आप ही आ गया। हाँ बराबर है, हाँ यानी वही चार्ज का डिस्चार्ज होता है, मगर वो मेमोरी होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। हाँ, चार्ज का डिस्चार्ज कैसे होता है, जैसे कोई चीज हमने क्या कहते हैं इसको, हमने रिकॉर्ड कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है मेमोरी, हमने रिकॉर्ड कर दिया है, सेव कर दिया है मोबाइल में, अभी 5 साल के बाद भी आपको प्ले करने को नहीं मिलेगा अक्सर असर। हाँ हाँ, वो मेमोरी नहीं है, वो मेमोरी नहीं है, भले हम इसको मेमोरी में सेव करने का, मगर मेमोरी वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है करके आवा, बराबर है। वास्तव में मेमोरी इसको बोलते हैं, कभी याद भी आती है कभी भूल भी जाते हैं, वो मेमोरी है। बराबर है। और रिकॉर्ड का मतलब है जो चार्ज किया है वो ही डिस्चार्ज होगा। हाँ बराबर है, तन्मयता करके हो गया, हो गया है चार्ज। जैसे 3 साल का बच्चा अगर आज गीता कंठस्थ करके बोलेगा, या 5 साल का बच्चा गीता कंठस्थ करके बोलेगा, तो वो चार्ज किया वही डिस्चार्ज करेगा, वही करेगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। हाँ हाँ, नॉलेज नहीं है, वो प्ले होता है। हाँ हाँ, सही बात है, अभी अच्छे से पता चल गया टेक्निकली कैसे होता है करके। जय जय सच्चिदानंद, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद, मारा प्रश्न डेवलपमेंट संबंधी छे। આપણે આ ઘણી ફેરે તમે કહો જીવ થયેલો, ડેવલપ થયેલો જીવ, અને જેટલું ડેવલપ હોય એટલા એ પાવરફુલ કર્મ બાંધ્યા કે, એટલે મૂળમાં તો ડેવલપમેન્ટ એટલે જ્ઞાન દર્શન એ જ એનું ડેવલપમેન્ટ છે ને, જે કોઈ પણ જીવનું। યસ, હા, એટલે એને ડેવલપમેન્ટ ગણાય ને। હા, સંસમરણ માર્ગ ની અંદર માં પોતાનું જે જ્ઞાન અને દર્શન જે પોતે ડેવલપ કરે છે એને જ મૂળ તો અસલમાં ડેવલપમેન્ટ ગણાય ને। मगर एक बात जरूर ध्यान में रखो आप सब, कि डेवलपमेंट का उपयोग आप कर भी सकते हैं, मगर डेवलपमेंट के ऊपर जो अज्ञान है वो आपके डेवलपमेंट से भी हाई क्वालिटी का होने से आप उसको गलत या सही रास्ते पर, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों जगह उपयोग कर सकते हैं। कौन सा? डेवलपमेंट के ऊपर का जो अज्ञान है वो की बात करता हूं, वो उसे भी भारी है। वो क्या है? वो क्या है? डेवलपमेंट का मतलब जैसे जैसे आपको ग्रेजुएट होना है, अभी आपने स्कूल में पास कर दिया, तो कॉलेज का लेवल तो भारी होगा ना पढ़ने में। हाँ, भारी, बराबर बराबर। तो जो पास कर दिया वो पास हो गए, इसका उपयोग कर सकते हैं, मगर जो अभी पास करने का बाकी है उसमें तो आपको फेल भी होने की संभावना है, पास भी होने की संभावना है, दोनों है, दोनों है। मेरा एक ही प्रश्न है कि ऋणानुबंधन कैसे होते हैं, ऋणानुबंधन से क्या ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं या अनुभव ले सकते हैं? हमारा जो डेवलपमेंट है वो ऋणानुबंधन से ही होगा? हमारा डेवलपमेंट ऋणानुबंधन से नहीं होगा, हमारे कर्मों का भुगतान ऋणानुबंधन से ही होगा। तो ऋणानुबंधन जो है वो कैसे करता होगा? हमारा डेवलपमेंट अज्ञान को नाश करने से बढ़ेगा,
और हमारा ऋणानुबंध तो वो कंपलसरी होता है, रामकृष्ण महावीर को भी ऋणानुबंध की भुगतान करनी ही पड़ती है अगर संपूर्ण ज्ञानी है तो भी। अच्छा, और वेदनीय ऋणानुबंध का वापस ऋणानुबंध का मतलब होता है कर्मों की भुगतान, और वो कर्मों की भुगतान जन्म से मौत तक सभी व्यक्तियों की पैदा होने से पहले फिक्स हो चुकी है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है या केवल ज्ञानी है। अच्छा, तो उससे कोई कंसर्न है ही नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं है डेवलपमेंट को। हमारा डेवलपमेंट तो जितना अज्ञान नाश करोगे इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। जैसे अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस स्थान पर है डेवलपमेंट के, ये जन्म में हमने कितना डेवलपमेंट किया या हमारा डेवलपमेंट सही है, ये हमें खुद को कैसे पता चलेगा, खुद की राह को राह पर जितना, हम जितना आप विज्ञान समझ सकते हो और विज्ञान ज्यादा दृष्टि से संजोगों में उपयोग कर सकते हैं वो आपके डेवलपमेंट का प्रमाण है। मेरा एक मुझे सही या गलत मुझे बता दो कि हर क्रिया में या हर जो हम दिनचर्या में है या पूरा किसी से भी व्यवहार करते हैं तो हम जागृत अवस्था में करें तो वो डेवलपमेंट कहा जाएगा। जागृत अवस्था में है तो हम डेवलपमेंट का उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या उपयोग कर दे, कभी कभी डेवलपमेंट होता है नहीं करेंगे तो वो अजागृति के रूप में काम करेगा ना। हाँ वो तो है, वो तो है, लेकिन होना एक अलग बात है और डेवलपमेंट का उपयोग करना वो पुरुषार्थ है और डेवलपमेंट को आपकी इंडिविजुअल मैच्योरिटी बोलते हैं और मैच्योरिटी का उपयोग करेंगे इसको पुरुषार्थ कहेंगे। मेरी मैच्योरिटी है फिर भी मैं यूज नहीं करूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को, भले डेवलपमेंट मेरा है। हाँ हाँ स्वामी जी, लेकिन जागृत अवस्था तो अभी काफी रहती है तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर भी अपने आप आ जाता है, थोड़ा धीरे ऑटोमेटिक आ जाता है। और सही समय और समय क्या है, कैसा चल रहा है, उस दिन का क्या क्या है वो भी समझ में आता है, तो वो सही है ना। मैं अभी यूएस में हूँ, अभी हूँ मैं मुंबई की, लेकिन मैं अभी यूएस आई हूँ। हाँ, पहले भी कितने समय से आप स्पिरिचुअल साइंस के साथ जुड़े हैं? मैं लास्ट ईयर दिसंबर में आपसे बात की थी, मैंने यूएस में ही थी, मैं अक्टूबर में मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद में मैं जुड़ी हूँ। अभी 2-3 महीने ही हुए, मैं ये जो 2 महीने हो गए हैं मैं आपके टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरा काफी कुछ आपका जितना भी वीडियोस है या जो भी सूत्रों आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो सारे मैं पढ़ती रहती हूँ और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करती हूँ, एक दिन का एक सूत्र लेके उस पर अमल करती हूँ। मतलब आप अध्यात्म विज्ञान ग्रुप में जुड़े हैं? हाँ, नहीं वैज्ञानिक बोल के नहीं जुड़ पाई, लेकिन मैं वैसे जुड़ गई हूँ। अध्यात्म विज्ञान जो कॉमन ग्रुप है जिसमें हर रोज मैसेज देते हैं वो ग्रुप में आप जुड़े हैं? हाँ उसमें जुड़ी हुई हूँ, उसमें जुड़ी हुई हूँ और उसमें काफी कुछ वीडियोस आते हैं, बहुत विषय अच्छे। वो ज्ञान की वैल्यू को साइड में रख के पैसे की वैल्यू बना दिया और इसीलिए ज्ञान होते हुए भी साइलेंट हो गया, हर बात में पैसा बराबर है तो उसको अभी तो अभी अभी ये हाँ। अभी ये तो रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन में समय तो लगेगा मगर ये भी ज्ञान ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन ही कैचअप कर पाएंगे क्योंकि यहाँ रिलेटिव सत्य की कोई बात ही नहीं है। बराबर है, तो वो वैल्यू कैसे समझा है उनको कि ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है पैसे से और अपने आप थोड़ा सब ज्ञान मालूम हो जाएगा कि वैल्यू सनातन सत्य की है या रिलेटिव सत्य की है,
विज्ञानी उनको समझाएगा, जितना समझ में आएगा वो डिवाइड कर देगा कि आपकी रिलेटिव सत्य की वैल्यू क्या है सनातन सत्य की। मगर ये सनातन सत्य समझाने की जो हमारी परंपरा थी, चाहे धर्म में या तो चाहे आध्यात्म में चाहे शिक्षा में, ये जो परंपरा थी वो आज लुप्त हो गई और हमारा एजुकेशन का जो बेस है वो केवल कॉमर्शियल हो गया, पैसा कमाने का साधन। हमारा जो धर्म है, हमारे भारत में उसके जितने भी धर्म है उन्होंने सभी धर्मों को क्रियाकांड के रूप में प्रेजेंट किया, तो आज यंग जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो डर लगा रहता है कि पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, अभी कैसा होगा। और वही तो क्योंकि साइकोलॉजी खड़ी किया है ना, आप समझो साइकोलॉजी खड़ी किया है। आप सोचो, आप 100 साल पहले लोग पैसे के लिए कितना सोचते थे, आप समझ सकते हैं। दे आर लिविंग विदाउट मनी इन अ नाइस वे, इन अ गुड वे एंड पीसफुली, यस और नो? यस यस, बराबर सही है। हमने खुद जी आत्मविश्वास था जीवन जीने का, पैसा नहीं था, साधन भी नहीं थे उनके पास। वो आत्मविश्वास ही पैसे से ज्यादा है, वो तो सवाल ही नहीं। आत्मविश्वास की ही कीमत है, पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कोई गारंटी नहीं, पैसे से चिंता नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, पैसे से हस्बैंड वाइफ का जीवन अच्छा रहेगा कोई गारंटी नहीं है, पैसे से बच्चे और बच्ची अच्छा ही होगा कोई गारंटी नहीं है। मगर आपका आत्मविश्वास है और ज्ञान संस्कार है तो आपका भविष्य अच्छा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा बताया आपने, और यही चीज मैं बताऊंगी और यही चीज बोलूंगी, आज तो मुझे ये कहना ही है। थैंक यू थैंक यू स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चि। हेलो गुरु जी, नमस्कार। जय सच्चिदानंद। हेलो, हेलो, मैं जा रही हूँ कि अभी जो कोरोना चल रहा है उसका भय अभी तक गया क्यों नहीं है लोगों में? वैसे तो यहाँ अध्यात्म विज्ञान समझने वाले को किसी को भय है ही नहीं, पहले नहीं, बच्चों को अभी बहुत ज्यादा भय है, वो तो मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। देखो वो तो क्या है कि न्यूज़पेपर में भी वही आएगा, मोबाइल में भी वही आएगा, टीवी में भी वही आएगा, और लोग बात भी वही करेंगे, तो साइकोलॉजी तो रहेगी ना। तो अब उस भय को विज्ञान मिलने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि कोरोना से अवेयर होने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सही है सर, जागृत होने की जरूरत है, जरूरत नहीं। हाँ। मतलब अभी तक उनसे भय से बात करते हैं वो थोड़ा लगता है कि अभी तक भय निकला नहीं है। ठीक है, जय सच्चिदानंद साहब। ठीक है, जैसे जैसे समझ में आएगा तो धीरे धीरे, ये विज्ञान के अलावा भय निकलना आम आदमी के जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि भय अज्ञान से नहीं निकलता है, अज्ञान से ही तो भय बना हुआ है। और विज्ञान ही भय निकालने का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, जय सच्चिदानंद। हम मैं सुन रहा हूँ अभी टीवी पे या यूट्यूब पे, मुझे कुछ प्रश्न है, बहुत दिन से सुन रहा हूँ मैं। मुक्ति के लिए पुणे से बात कर रहा हूँ स्वामी जी, मैं पुणे। ओके ओके, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, आगे बढ़िए। या मुक्ति के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, अगर मुझे अगले जन्म में ही अगर मोक्ष जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी गलतियां हो गई है या कर्म बांधे है उसका निकाल कैसे करेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि जो हुआ वो तो कर्म का रिजल्ट है, तो अभी उसके लिए कैसे निकाल किया जाए? तो सबसे पहली बात ये है, हम सिद्धांत को समझने की कोशिश करें, इस दुनिया में हम क्यों जन्म मरण लेते हैं, इसका कारण है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। अज्ञान से राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से कसाय होते हैं,
और कसाय से कर्म बनते हैं और वही कर्म से जन्म मरण होते हैं। तो सभी का मूल पॉइंट है अज्ञान। अगर आप ये अज्ञान मिटाओगे तो स्वाभाविक है आपका जो कर्म है धीरे धीरे माइल्ड या लाइट हो जाएगा, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो फिर कर्म बनेगा ही नहीं। मगर अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य, और ज्ञान और अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। ज्ञान और अज्ञान दोनों बिलीफ है, एक के लिए ज्ञान है दूसरे के लिए अज्ञान है, तो ये बिलीफ है। मगर विज्ञान है वो बिलीफ नहीं है, वो नहीं मानोगे तो भी वही है। तो विज्ञान से अज्ञान निकलेगा और अज्ञान से ही कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, अज्ञान से ही बंधन में से भी मुक्ति पा सकते हैं, और अज्ञान से ही नए कर्मचार करने में से मुक्ति पा सकते हैं। अज्ञान से ही हम अपना देहाभ्यास मिटा के परमात्मा के अंदर स्थित और स्थिर रह सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रकार की सफरिंग की जो जड़ है वो अज्ञानता है, और अज्ञान मिटाने के लिए ये दुनिया का जो सनातन सत्य जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है वो समझना हर जीव के लिए आवश्यक है। हाँ, मगर आपने जो विज्ञान बताया वो तो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, मगर जो हो गया उसके लिए कैसे करेंगे? अभी यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी कुछ दिन पहले ही मिला और हम लोग दूसरा भी फॉलो कर रहे थे और आपका भी सुना, तो ज्ञान तो लिया है और आपसे और थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ गया आपके वीडियोस वगैरह देखने के बाद जो यूट्यूब पे वगैरह है। मगर अभी जो हुआ है उसके लिए कैसे करेंगे? अभी ज्ञान अभी जितना हो सके उतना हाजिर कर रहे, और इसके आगे का कर्म चार्ज नहीं करे ये कोशिश करेंगे, और जितना हो सके उतना अभेद मतलब मिक्स नहीं करेंगे, जुदापन रखने की जागृति रखेंगे। हाँ, समझ गया कोई बात नहीं। सबसे पहला तो मेरा एक सजेशन है, आप अध्यात्म विज्ञान के ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो एवरीडे अरे मैसेज आता है? हाँ, जुड़ा हुआ, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और एक ये टेलीग्राम ग्रुप भी है। कोई बात नहीं, जो के तो आपने एक काम तो अच्छा कर दिया है। अभी आपका जो प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो देखो हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो भी व्यक्ति को विज्ञान प्राप्त होता है ये अध्यात्म विज्ञान, उसके लिए पास्ट के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट में कितना भी गलत कर दिया है, कर्म बांध लिया है, उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। हमको अभी से हमारे अंदर जो सत्ता के रूप में जितना भी अज्ञान पड़ा है, अज्ञान का मतलब होता है बिलीफ ऑफ रिलेटिव ट्रुथ, ये सभी रिलेटिव ट्रुथ के बिलीफ को मिटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, और यही हमारा पुरुषार्थ रहेगा। हमको पास्ट को देख के मैंने गलती किया वो सोचने की जरूरत नहीं है, उससे और तनाव बढ़ेगा और आप सनातन सत्य को न समझ पाएंगे न अच्छी तरह इसका यूज कर पाएंगे। तो बेटर है आपके विज्ञान को समझो, और हर समय आपके अंदर जो भी अज्ञान निकल रहा है इसको कंप्लीटली रिमूव कर दो, नॉट टू कैरी फॉरवर्ड इन अ नेक्स्ट बर्थ। तो उसके लिए कोई ये विज्ञान का उपयोग करते रहो बस, सही ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो उसके लिए कोई प्रतिक्रमण अगर करने की जरूरत ही नहीं, पहले जो हुआ सो उसको भूल जाना है। प्रतिक्रमण के लिए ये कहा है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है इन प्रेजेंट और पास्ट में कोई घटना हो गई है जो हमारे जीवन में बार बार अपने आप याद आ जाती है, हम याद करते नहीं है, आप याद आ जाती है, तो उसी घटना को सिर्फ इतना कहो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति चाहे मन के लेवल के है, चाहे स्पीच के लेवल पे है, या चाहे एक्शन पे लेवल पे है, ऐसी कर्मों की मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकार के कर्म ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। That's it. उसके अलावा और कोई प्रायश्चित करने की स्पिरिचुअल साइंस में आवश्यकता नहीं है। ओके, आपने मैंने आपके एक सत्संग में पढ़ा था कि अगर मोक्ष जाने के लिए यहाँ तो कलयुग है अभी पृथ्वी लोक पे,
और महाविदेह क्षेत्र में सतयुग चालू है, तो मोक्ष के लिए महाविदेह क्षेत्र जाना जरूरी है, क्योंकि आपने कहा था कि वो कलयुग और सतयुग के बारे में, और वहां से थोड़ा इजी है, और उसके लिए हमको क्वालिफाइड होना जरूरी है, ऐसे आपने बोला था। यस, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। हाँ, हमारा कर्म अगर इस क्षेत्र के लिए लायक नहीं रहेगा तो हमारा जन्म वहां हो सकता है, आप समझे ना। अगर आप महाविदेह क्षेत्र की कामना नहीं भी करोगे, मगर आप महाविदेह क्षेत्र के लायकात वाले कर्म अगर आपके बनेंगे तो कुदरत आपको अपने आप वहां ट्रांसफर कर दे, उसमें आपकी चॉइस की जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति पशु योनि का कर्म चार्ज करेगा तो बिना भावना उसको पशु योनि में ट्रांसफर कर देती है कुदरत। कोई व्यक्ति राक्षसी कर्म करेंगे तो नरक गति में ट्रांसफर कर देते विदाउट एनी भावना, और कोई व्यक्ति डिवाइन कर्म करेंगे तो देवलोक में ट्रांसफर करेंगे विदाउट एनी भावना। तो यानी क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप समझे, सिर्फ अकेली भावना काम नहीं आता। कोई कहेंगे मेरे को महाविद्या क्षेत्र में जाना है, महाविद्या क्षेत्र में जाना है, ऐसे महाविद्या क्षेत्र नहीं मिलता है। विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैनोट गो देयर, करेक्ट, आप समझे। अगर आप कहेंगे मैं भावना करूंगा देवलोक में जाऊंगा, देवलोक में जाऊंगा तो देवलोक में चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। इस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, देन द नेचर विल गिव द रिजल्ट ऑफ योर क्वालिटी, आप समझे। हाँ, हम लोग अब जो आज करते भावना के साथ क्वालिफिकेशन होना भी आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो भक्ति करते हैं सिमंदर स्वामी की, या आरती करते हैं, या आ, आ, उनका जय जयकार असीम जय जयकार करते हैं, तो वो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग, ऐसे चलेगा ना। सिमंदर स्वामी का असीम जय जयकार हो करना वो ठीक नहीं है, लॉजिकली इट इज नॉट करेक्ट। सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ वो करेक्ट है, असीम जय जयकार हो बोलना करेक्ट नहीं है प्रिंसिपल। आप बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मगर जो व्यक्ति पूर्ण हो चुकी है उनके लिए असीम जय जयकार हो बोलने की जरूरत नहीं है। जो अपूर्ण है और पूर्ण होने की ओर जा रही है तो उनके लिए बोले तो अलग बात है, मगर जो पूर्ण हो गई है यानी केवल ज्ञान हो गया है उनको तो सिर्फ नमस्कार ही काफी है, उनको आपके प्रेयर की कोई जरूरत नहीं। ओके, और दादा भगवान की असीम जय जयकार जब हम लोग बोलते हैं तो बोलना चाहिए, क्योंकि वो 356 पे है। ओके ओके ओके, तो दादा भगवान सिद्धांत की बात है, व्यक्ति हाँ, समझ गए, व्यक्ति की बात नहीं है। और दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि आप भी आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनका असीम जय जयकार करेंगे तो आपको भी पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉमन बात है, दादा भगवान इज नॉट अ नेम ऑफ द पर्सन बट इट इज अ टाइटल ऑफ योर डेवलपमेंट। जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं उसका नाम दादा भगवान ने दादा भगवान बता दिया, वो बॉडी का नाम नहीं है। मैंने वो प्रतिष्ठित आत्मा का डेवलप कर दिया कि दादा भगवान, करेक्ट। या मैंने भी आपका देखा, शुरू करने से पहले आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो अपने आत्मा को ही प्रार्थना करते हैं हर बार। ठीक है, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। Yes, next. और कोई लास्ट है? हाँ स्वामी जी, कमलेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, अत्यारे टाइम थई गयो छे, रवा दी आपणे, विल टेक अप नेक्स्ट टाइम स्वामी जी। वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक
नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी, दृष्टि संबंधी जो भी दोष हो गए हैं, जो भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर, जाहिर करते हैं, हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे, जय सच्चिदानंद, जय।